हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल। मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। डेली के स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जीएनए एक्सेल की। ये बेसिकली कंपनी, मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी के जो एक्सेल होते हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरर है और ये जालंधर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ये पंजाब में है और आज इसी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में जीएनए में किस तरह का प्राइस मूवमेंट हो सकता है और उसका प्राइस कहाँ जा सकता है और अभी मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन जीएनए एक्सेल में बना हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रेडर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएं। और ट्रेडर्स, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएनए का एक्सेल, देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है। हम जीएनए को बहुत डिटेल में समझेंगे और आने वाले दिनों में जीएनए में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है वो सारी चीज़ देखेंगे। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जीएनए एक्सेल का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। ठीक है, और आप अगर लास्ट जो ये फ्राइडे था 8th of July, आप इस कैंडल को वॉच करें तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, एक उससे पहले एक बुलिश कैंडल था। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं तो एक तरह से ये आपका बेरिश पियर्सिंग पैटर्न पूरा बन रहा है। बट इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ है जो आपको बहुत बारीकी से नोट करनी है, आप इस कैंडल को देखिए। ठीक है, वॉल्यूम को आप देखिए। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो इसमें आपका वॉल्यूम इतना नहीं है। ठीक है, इसके अगर वॉल्यूम की बात करूं, जो ये 8th जुलाई फ्राइडे को जो प्राइस एक्शन बना है, एक बेरिश कैंडल प्रिंट हुई है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं उसमें वॉल्यूम इतना नहीं है एज कम्पेयर टू उसके पहले जो ग्रीन कैंडल बना था। ठीक है, तो ये बस प्राइस एक्शन एक जिसे कहते हैं ये दिखाने के लिए है। ठीक है, और आपको जैसा पता है प्राइस इज द किंग एंड वॉल्यूम इज द क्वीन, मतलब प्राइस एक्शन पूरा का पूरा बेकार है बिना वॉल्यूम के सपोर्ट के। ठीक है, अब देखिए मार्केट में हुआ क्या है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को गाइस समझते हैं तो आप ये चीज जरूर समझते होंगे, ये जो एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही थी ना, ठीक है, इसको हम रेड में कर देते हैं, रेजिस्टेंस को हमेशा हम रेड में मार्क करेंगे। आप ये देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है, मार्केट ने इसको एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया है और अभी ये वाला जो 572 का लेवल है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये देखिए, ये अगर देखेंगे आप ये वाला लेवल तो कहीं ना कहीं यहाँ से इसको ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है। आप ये देखिए प्राइस एक्शन हुआ कैसा है, प्राइस का पाथ है कैसे, उसने ट्रैवल देखो कैसे किया। ये लो था, इसने एक हाई लगाया। ठीक है, आप ये समझते हैं एक हाई लगा मार्केट में, फिर एक लो लगा, फिर क्या है, अगर आपको डाउ थ्योरी का कंसेप्ट पता है तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो हाई था, ये वाला हाई, इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, एक हाई नया और लगाया है। ठीक है, एक नया हाई लगाया, फिर मार्केट ने ये फॉल बैक दिया है जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी। अब अगर इसको यहां सस्टेन करना है तो फिर प्राइस इस तरह का मूवमेंट जीएनए एक्सेल में देगा। ठीक है, ये आई होप आपको ये प्राइस एक्शन समझ आता हो कि प्राइस एक्शन ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है, जीएनए एक्सेल में हम इसको ब्लैक कर देते हैं। आप ये देखिए, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो अब क्या है, प्राइस उसको चेक करने आ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट बनी कि नहीं बनी। ये कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी होता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। अब मार्केट बहुत हेल्दी रहेगा कि जब मार्केट ये 551 के लाइक 551 या 540 के आसपास, 45 के आसपास इस लेवल को टेस्ट करे और अगेन ये वाला जो 572 का लेवल है इसको ब्रेक करे अपवर्ड की डायरेक्शन में, तब आप जीएनए एक्सेल में एक बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को, आपको बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट कैप्चर हो सकता है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आप ये देखिए मार्केट ये सपोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट किया है और कहीं ना कहीं आपका ये जनवरी से लेकर अब तक मार्केट एक साइडवेज ही चला है। ये बेसिकली आप ये देखो होता क्या है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाता है
फिर मार्केट नीचे आता है, तो एक यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एक एक्युमुलेशन जोन है, यानी हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे एक बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है। और आप जब भी नोटिस कर रहे होंगे, अब जब प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आप वहाँ पे बाइंग वॉल्यूम देख रहे हैं। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है, देर इज अ ह्यूज वॉल्यूम, ठीक है, आप बॉटम पे वॉल्यूम देख सकते हैं, लेकिन जब भी प्राइस फॉल कर रहा है, देर इज नो वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो वहां पे वॉल्यूम है, ठीक है। ये जो आप नीचे मार्केट आ जाना, ये प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है। लेट से जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, वो ऊपर बेच दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी जो हो रही है वो बाय हो रही है। तो आपके लिए आने वाले दिनों में जीएनए में बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट आ सकता है गाइस, बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट आ सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना मिस करें, ठीक है। आपको बस इसको अपने रडार पे रखना है। और ये जो लेवल है ना 572 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इसको इस 572 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत विन विन सिचुएशन है कि ये बहुत अच्छा टारगेट आपको देगा। ऑल्दो आप अभी क्या है, प्राइस इस ये जो रेजिस्टेंस ही ना, आप जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए, इसको टेस्ट कर रहा है। फिर यहां से मार्केट अगर बहुत हेल्दी है और आपको एक बहुत अच्छा कैंडल देखने को मिलता है, तो मार्केट ये अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आप कर क्या सकते हैं, ये जो 550 का लेवल है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अभी आप एसएल रख लें। ये जो कैंडल थी, इसका जो लो है ना 528 का, इसके जस्ट बिलो आप 524 525 का एक एसएल लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जीएनए एक्सएल में जो आपको पहले टारगेट्स देखने हैं, ठीक है, पहला टारगेट लेट से हम देख लेते हैं, ये वाला जो रीजन है ये हम पहले टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकंड टारगेट के लिए हम ये वाला रीजन कंसीडर करेंगे, और उसके बाद अगर आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपका यहाँ पे लेट से 651 पे आ गया, तो आप अपना एसएल लाइक 20 पॉइंट नीचे रख लीजिए, है ना। तो वहां पे भी आप अपना एसएल, अगर आप मूविंग एवरेजेस पे काम करते हैं या कोई और इंडिकेटर है, तो आप उसके हिसाब से भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो जीएनए में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके 2-3 महीनों के लिए, तो एटलीस्ट 10 से 15% का या 20% तक का मूव आप जीएनए एक्सेल में ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी एनालिसिस, मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और आप जीएनए में अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले रखी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो, जीएनए एक्सेल के एनालिसिस के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, आप वहाँ पे भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।